हमारे आने में समझता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद भोपाल में काफ़ी विकास के काम हो रहे हैं। अमृत योजना के माध्यम से हमने पूरे प्रोकलन तैयार कर रहे हैं। हाउसिंग फॉर ऑल योजना में इस बार भोपाल के झुग्गी बस्ती में रहने वाले गरीब भाइयों के लिए हम हाई राइज बिल्डिंग बनाकर उनको देने वाले हैं। उसके लिए उसमें हम लिफ्ट का भी प्रावधान कर रहे हैं। पहले जो मकान बनाकर दिए जाते थे उसमें खेल मैदान नहीं होता था, उसमें पार्क नहीं होते थे, उनके रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए दुकानें नहीं होती। इस बार हमने ये सारी चीज़ों का प्रबंध किया है। हमारा राजा भोज सेतु बनकर तैयार हुआ है जो पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ता था। एक ट्रैफिक की बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। इसी प्रकार से हम हबीबगंज से जब मिसरोद की तरफ जाते हैं वहाँ पे भी हबीबगंज रेलवे क्रॉसिंग पे काफ़ी जाम की स्थिति होती थी, वहाँ पर वीर सावरकर सेतु का निर्माण हुआ है। और ये सब जो विकास के काम हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हुए हैं और उन्होंने बजट दिया जिसके कारण शहर का चौमुखी विकास हो रहा है। तीसरा हमारा जो सबसे बड़ा विकास शहर में चल रहा है वो लाल घाटी से एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। रेलवे क्रॉसिंग पे कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता था। जब भी कोई शहर में व्यक्ति आता था, मैं समझता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति शहर में आता है तो शहर की इमेज एयरपोर्ट से होती है, रेलवे स्टेशन से होती है, बस स्टैंड से होती है। जब वो भोपाल उतरता था तो उसको अच्छा लगता था, पर आगे जाकर जाम की स्थिति हो जाती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के कारण ये हमारा लाल घाटी का जो एक बड़ा फ्लाईओवर है वो उसका भी निर्माण कार्य हो गया। एक बहुत बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार भोपाल की जनता को देने वाली। लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं आप, ये सब काम करें लोग क्या मैं समझता हूँ कि भोपाल की जनता भी कहीं ना कहीं सिविक सेंस की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में भोपाल की जनता ने नगर निगम को काफ़ी सहयोग दिया है और जिसके कारण हमारा भोपाल स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में नंबर वन आए। इसके लिए जनता का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि ये साफ सफाई व्यवस्था एक दिन की नहीं है, ये दैनिक दैनन्य दिनचर्या से नगर निगम को भी और शहर के नागरिकों को भी इससे जुड़ना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति कहीं सार्वजनिक स्थान के ऊपर कचरा फैलाता है, कचरा फेंकता है या कचरा करता है तो उसको रोको टोको अभियान का नागरिक को हिस्सा बनना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, तभी हम भोपाल को स्वच्छ भोपाल, सुंदर भोपाल और विकसित भोपाल बनाएंगे। हमारा भोपाल स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है। स्मार्ट सिटी में कई काफ़ी प्रोजेक्ट आए हैं और वो ज़मीन के ऊपर उतर गए हैं और बहुत ही जल्दी आकार लेने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला काम जो वो एक महीने के अंदर हम पॉलिटेक्निक से डिपो चौराहे का जो स्मार्ट रोड है वो भोपाल की जनता को लोकार्पित करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर एक बड़ी उपलब्धि एक महीने के अंदर हम भोपाल की जनता को देने वाले हैं। इसी प्रकार से पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने के लिए कमला पार्क पर काफ़ी ट्रैफिक जाम होता था, उसके लिए हमने रानी कमलापति आर्च ब्रिज भी बनकर लगभग अंतिम चरणों में बनकर तैयार होने वाला है। 2 से 3 माह के अंदर जैसे ही रानी कमलापति आर्च ब्रिज तैयार होगा, ये बड़ी सौगात हम भोपाल की जनता को देने वाले हैं।